तरह करना चाहिए, सब लोग का वजन घटेगा, अच्छा है जितना चलेंगे। सरकार तो भाजपा की बनेगी, सरकार नीतीश कुमार के बनेगी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पे है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव जहां एक तरफ बीजेपी और जदयू को घेरने का काम करते हैं, तो वहीं जदयू और बीजेपी भी तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब देती है। तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल उठाते हैं, इधर जदयू और बीजेपी तेजस्वी यादव को बारी बारी जवाब देती है। इसी क्रम में गोरखपुर के सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जितना घूमना है घूमने दीजिए, उनके घूमने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि NDA को तेजस्वी यादव की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ऐसा कहा कि तेजस्वी यादव का घूमने से बस वजन कम होगा, इसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार 2025 में बीजेपी की NDA की ही बनेगी, नीतीश सरकार की बनेगी, नीतीश ही CM के रूप में बने रहेंगे। इसके साथ ही जो है रवि किशन तेजस्वी यादव पर तंज कसा और राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्या हुआ, राहुल गांधी भी खूब घूमे लेकिन हरियाणा की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते थे कि हरियाणा में हमारी लहर है, अब जनता ने दिखा दिया कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है और वहां पर जो है हम जीत गए। क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, गोरखपुर के सांसद, उनकी बातों को सुनिए। यात्रा करना चाहिए, सब लोग का वजन घटेगा, अच्छा है जितना चलेंगे। सरकार तो भाजपा की बनेगी, सरकार नीतीश कुमार के बनेगी, कितना वो यात्रा कर ले। राहुल बाबा भी बहुत यात्रा कह ले रहना, हरियाणा में देखो क्या हो गया। अभी झारखंड महादेव चाहेंगे, हम लोग स्वीप मार रहे हैं, वन साइडेड मारेंगे। और देख लीजिएगा बांग्लादेशी घुसपेटिया जो वहां इतना आदिवासी समाज प्रताड़ित है धर्मांतरण से, अब वो भी रिजल्ट देखिएगा। झारखंड में भाजपा की सरकार पूरी बहुमत के साथ आएगी जैसे हरियाणा में, और ये बात मेरी याद रखा, महाराष्ट्र भी हम लोग जीतेंगे। तो आप ये देखिएगा कि मोदी जी जहां पर लोगों ने कहा, जहां विरोधियों ने कहा कि मोदी जी का प्रभाव कम हो रहा, ये देश को बात बहुत चुभ गई और ये पूरा देश खड़ा हो गया अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस से स्ट्रेंथन करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी के लिए कभी ये शब्द किसी विरोधी को नहीं चुनना चाहिए कि वो कमजोर हो रहे हैं उनका प्रभाव। प्रधानमंत्री को लोग अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करता है।